नमो नमः बच्चों, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका आज संस्कृत विषय के संस्कृत व्याकरण के ऊपर एक ऐसा उपविषय लेके आई हूँ जिसको पढ़ना कक्षा छठी से लेके आठवीं तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि संस्कृत व्याकरण को पढ़े बिना आप संस्कृत का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। एटलीस्ट आप किसी भी भाषा का अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसके व्याकरण के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए आज हम संस्कृत व्याकरण का एक उपविषय है संस्कृत वर्ण परिचय, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बारे में देखते हैं कि कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, तो आज हम उनका ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे स्वर की परिभाषा। स्वर, स्वर आपको पता होना चाहिए कहते किसे हैं। स्वर जिसे आप अंग्रेजी भाषा में वोवल कहते हो, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, या हम साधारण रूप से कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। संस्कृत भाषा में मूल रूप से 13 स्वर होते हैं। स्वतंत्र रूप से बच्चों स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। और संस्कृत भाषा में कितने स्वर हैं? 13। तो चलिए अब देखते हैं कौन से वो 13 स्वर हैं। सबसे पहला आता है, हमने इसको 3 वर्गों में विभाजित किया है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला है लघु स्वर वर्णा, दूसरे नंबर पे है दीर्घ स्वर वर्णा, और तीसरे नंबर पर है मिश्रित दीर्घ स्वर वर्णा। लघु स्वर वर्णा जो सबसे पहले आता है वो क्या है आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हस्व अ, हस्व ई, हस्व उ, हस्व री और लृ, इसको बोलते हैं लृ, ठीक है। तो जैसे कि लुट लकार, ये कितने हुए? ये हुए संख्या में 5। दूसरे हैं दीर्घ स्वर वर्णा, वो कौन से हैं? जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, ये संख्या में है 4। और मिश्रित दीर्घ स्वर वर्णा ये हैं 4 ए, आई, ओ, औ, ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 13। तो बच्चों जैसे आपको पता है लघु स्वर वर्णा, लघु जो होता है वो होता है छोटा, लघु का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है उसका डबल या बड़ा। तो जैसे अ छोटा है, जैसे आप हिंदी में कहते हो छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, छोटी री। जो री है बच्चों इसका प्रयोग वैदिक भाषा में किया जाता है, लौकिक संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसका उदाहरण आपको बहुत कम दिखाई देंगे। उसी प्रकार दीर्घ स्वर वर्ण जो होते हैं वो लघु स्वर का डबल हो जाता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू उ, बड़ा उ और री। री अब यहाँ पे देखो जो लघु स्वर है री, ठीक है, उसमें एक मात्रा है, ठीक है। और जो आप दीर्घ स्वर वर्णा में री देखोगे उसमें देखो आपको डबल मात्रा है, री के नीचे डबल दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको दीर्घ री कहते हैं। और मिश्रित दीर्घ स्वर वर्णा मतलब ये दीर्घ होते हैं लेकिन मिश्रित रूप से, और ये कौन से हैं? ए, आई, ओ, औ। तो 5, 4, 4 टोटल स्वर कितने हो गए हमारे? 13। तो चलो अब हम चलते हैं अपने व्यंजनों की तरफ। तो बच्चों स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं। स्वर जैसे कि आपको बताया वोवल, ठीक है, अब व्यंजन क्या होते हैं इसका ज्ञान प्राप्त करना भी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ परिभाषा दिखाई दे रही है, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, अर्थात स्वर वर्ण व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे क,
क के नीचे आपको हलन दिखाई दे रहा है, क जमा अ इज इक्वल टू क। क के नीचे जो हलंत है बच्चों वो आधा बताता है उसे। अगर हलंत लग जाता है इसका तात्पर्य क्या है कि वो जो वर्ण है वो अभी आधा है, उसमें स्वर नहीं मिला है, वो व्यंजन है और उसमें स्वर मिला अ। तो क में जब अ मिल जाता है तब जाके वो पूर्ण हो जाता है और उसके नीचे आपको आगे दिखाई दे रहा है कि उसके आगे नीचे हलंत नहीं है क्योंकि वो स्वर की सहायता से पूर्ण हो चुका है। और संस्कृत भाषा में मूल रूप से कितने व्यंजन होते हैं? 33, ठीक है, 33 व्यंजन हैं, 13 स्वर है और 33 व्यंजन है। तो चलो हम देखते हैं कि अब वो 33 व्यंजन कौन से हैं। बच्चों हमने इसको वर्गीय व्यंजन वर्गों में बांट दिया है। वर्गीय कहते हैं कि उसको किसी वर्ग में विभाजित करना, जैसे कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब आप कहोगे कि यहाँ पे इसका नाम यही क्यों रखा गया? इसका नाम इसीलिए रखा गया, वर्ग तो इसको हर किसी में आ रहा है क्योंकि उसको हर कैटेगरी में बांट दिया है, लेकिन कवर्ग ही नाम क्यों रखा? क्योंकि इस वर्ग में जो पहला वर्ण आता है वो हमारा क है, तो क से आरंभ होने के कारण इस वर्ग का नाम कवर्ग रखा गया। अब दूसरा जो वर्ग है वो है चवर्ग। चवर्ग में सबसे पहला व्यंजन क्या आ रहा है? च, तो च के आने से उसका नाम रखा गया चवर्ग, अर्थात मतलब च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। उसी प्रकार नीचे है टवर्ग, टवर्ग में भी सबसे पहला ट वर्ण है इसीलिए उसका नाम टवर्ग रखा गया। उसके उपरांत तवर्ग क्योंकि पहला त है, फिर पवर्ग, पवर्ग अर्थात पहला प है। अब चलो हम इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। कवर्ग, कवर्ग में क्या है? क, ख, ग, घ, ड, इन सबको पांच पांच वर्गों में बांटा है, मतलब हर वर्ग में पांच पांच हमने व्यंजन लिए हैं। क से लेके ड तक कवर्ग में आए। च, छ, ज, झ, न, ये पांच वर्ग, पांच वर्ण च वर्ग में आए। ट, ठ, ड, ढ, न, ये ट वर्ग में आए। त, थ, द, ध, न, वो त वर्ग में आए। और प, फ, ब, भ, म, ये पवर्ग में आए। बच्चों सबको पांच पांच वर्ण है सब वर्ग में, और पांच पांच वर्ग मिला के टोटल वर्गीय व्यंजन कितने हुए हमारे? 25। हमने व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी कही थी? 33, लेकिन अभी ये कितने हुए हैं? 25। अभी हमारे पास कितने और आने हैं? 7, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 8 आने हैं, सॉरी 8 आएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? ये तो हमारे 25 हो गए। अब ये ध्यान देखने वाली बात है कि ये व्यंजन है और व्यंजन के नीचे देखो हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूर्ण नहीं है। तो जितने व्यंजन होंगे उनके आगे क्या लगा होगा? नीचे हलंत लगा होगा क्योंकि वो स्वर उसमें अभी मिला नहीं है, तो वो अभी स्वरों की सहायता के मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, व्यंजन और स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे 25। अब हम आगे बचे हुए व्यंजनों को जानते हैं। ये है हमारे बाकी बचे 8 अवर्गीय व्यंजन वर्ण। वर्गीय व्यंजन था कि उनको वर्गों में विभाजित कर दिया था, उसके बाद जो बचे 8 हमारे वो आते हैं हमारे अवर्गीय। अवर्गीय अर्थात उसको किसी वर्ग में नहीं बांटा गया है, बस उसको नाम दिया गया है। जैसे कि अंतस्थ व्यंजन वर्णा, ये कौन से हैं? 4, य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ है, ठीक है, ये अंतस्थ अर्थात अंदर से बोले जाते हैं। ऊष्म, ये भी हमारे ऊष्म व्यंजन वर्ण भी 4 हैं जो कि हैं श, श, स, ह, ठीक है। ऊष्म व्यंजन इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में ऊष्म अर्थात गर्म हवा मुख से बाहर आती है। अयोगवाहो, अयोगवाहो कितने हैं? 2 हैं, संस्कृत में अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। इसका चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, अनुस्वार को कहते हैं जो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है छोटा सा एक डॉट, जिसको हिंदी में क्या कहते हो आप? हंसपद, ठीक है। और उसके बाद है हमारा विसर्ग, विसर्ग आपको दो डॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आते हैं हमारे अयोग वा, ये इनकी संख्या है हमारी 2,
ठीक है। तो बच्चों कितने हो गए, 4, 4, 8, और ये हमारे थे, और अनुस्वार और विसर्ग ये हमारे अलग थे। अंतस्थ और ऊष्म को मिला के हमारे 4, 4, 8 अवर्गीय व्यंजन पूर्ण हो गए, और टोटल व्यंजन हमारे कितने हो गए, 33। अब ये जो है नीचे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आपको ध्यान देने वाला है कि ये कौन से संयुक्त वर्ण है। ये संयुक्त वर्ण 3 है। 3 वर्ण ऐसे हैं जो कि आपको मदद करेंगे। अगर आपको श बनाना है तो श किससे मिलके बना है, क जमा श, षटकोण वाले श से, क्षत्रिय वाला श बना है। त जमा र ने मिलके बनाया है त्र, और ज जमा य ने मिलके बनाया है ज्ञ, ठीक है, ज्ञानी वाला ज्ञ। बच्चों ये 3 संयुक्त वर्ण ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 6th क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो उनका फर्स्ट चैप्टर है अकारांत पुल्लिंग, सेकंड अकारांत स्त्रीलिंग, और थर्ड अकारांत नपुंसकलिंग, इन तीनों चैप्टर्स में जो हमारा वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन आता है वो इन्हीं 3 संयुक्त वर्णों पे आधारित होता है, और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, क्योंकि उनको इन संयुक्त वर्णों को बोलना ही नहीं आता है, या उनको विभाजित करना ही नहीं आता है कि वो किन वर्णों से मिलके बने हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि क जमा श इज इक्वल टू श, त जमा र इज इक्वल टू त्र, और ज जमा य इज इक्वल टू ज्ञ, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे अवर्गीय व्यंजन। आशा करती हूँ कि आपको ये जो मैंने उपविषय लिया था संस्कृत व्याकरण का, संस्कृत वर्ण परिचय, आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।